मान लो आपके इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, 10 kg का ऑब्जेक्ट है, म्यू एस म्यू के दोनों गिवन है, और म्यू एस हमेशा बड़ा होगा, म्यू के छोटा होगा। बॉडी चलेगी कि नहीं चलेगी वो एफ एस डिसाइड करेगा, म्यू एस डिसाइड करेगा। नॉर्मल रिएक्शन 10 g सॉल्व करके 50 N, लिमिटिंग वैल्यू आ गई, लिमिटिंग या मैक्सिमम स्टैटिक आ गई। इस बॉडी को चलाने के लिए कम से कम फोर्स 50 N चाहिए। आपने कितनी लगाई? 100 N, तो बॉडी चलेगी। तो कौन सी फ्रिक्शन आंसर होगा? काइनेटिक। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो आप क्या करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन, आंसर क्या आएगा? 40 N। अगला पार्ट आएगा, अगर बॉडी चल रही है और आपने 100 N की फोर्स लगाई, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी है? 40 N इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि बॉडी चल रही है, काइनेटिक है। तो एक्सेलरेशन बताओ बॉडी की क्या होगी। तो इसमें किया नहीं लिख लेना, किया हुआ है इसमें, सॉरी। तो ये बड़ी फोर्स है और ये छोटी फोर्स है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? बड़ी फोर्स माइनस छोटी फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन आएगी। तो ऐसे आपके न्यूमेरिकल अब चलेंगे। अब जैसे सपोज करो एक इंक्लाइन प्लेन है, 1 kg का ऑब्जेक्ट है, म्यू एस म्यू के गिवन है। हालांकि इतनी बड़ी वैल्यू होती नहीं है म्यू एस म्यू के की, 5 और 2 पॉइंट्स में होती है, 0.5, 0.4, 0.3। चलो सपोज कर लिया गिवन है। तो इस केस में ये बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी ये डिसाइड करते हैं। बॉडी को नीचे कौन सी फोर्स लेके आ रही है? एम जी, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा। तो 1 g sin 30। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? 1 g cos 30। सॉल्व करके आंसर क्या आ गया? 43.3। इस बॉडी को अपनी जगह से हिलाने के लिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी चाहिए? 43.3। पर कौन सी फोर्स बॉडी को नीचे लेके आ रही है? 1 g sin 30। तो आंसर सॉल्व करके 5 N। अब क्योंकि आपकी फोर्स 5 N इससे तो बहुत कम है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या काउंट होगी? 5 N, राइट? 5 N। तो आंसर में कौन सी फ्रिक्शन होगी? स्टैटिक। यहां तो क्लियर है, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं वैल्यूज चेंज कर दूं, इसमें 100 kg का ऑब्जेक्ट कर लिया, तो कौन सी फोर्स बॉडी को नीचे लेके आएगी? 100 g sin 30। म्यू एस म्यू के गिवन है, तो इस बॉडी को अपनी जगह से हिलाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? एफ एस म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर कितना है? 100 g cos 30। सॉल्व करके आंसर आ गया 433 N। तो कितनी फोर्स चाहिए हिलाने के लिए? 433, और हमने कितनी लगाई? 100 g sin 30, यानी कि 500 N। हमने ज्यादा लगाई, ब्लॉक ने ज्यादा लगाई, और चाहिए कम थी, तो बॉडी स्लाइड करेगी। तो कौन सा फ्रिक्शन आंसर होगा? स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। तो बोलो आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये लो, तो म्यू के की वैल्यू पुट करके यहां से आंसर आएगा कॉस, सॉरी यहां पे साइन नहीं, यहां पर कॉस आएगा, राइट? कॉस ऑफ 30। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे आंसर देने हैं फ्रिक्शन के इसमें। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। हर वक्त थोड़ा आएगा कि म्यू के और म्यू एस बस चलेगी नहीं चलेगी, नहीं, हर वक्त ऐसा नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट है, तो इसकी एग्जांपल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं।